من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون मैंने आपको गलत बता दिया था, ये जो शुरू है आज वो 191 आयत तक हो चुका था, आज 192 नंबर आयत से शुरू होगा और 227 नंबर आखिर तक सूरह शुअरा की आखिरी रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम वाला आलिहि व सहाबी अजमईन अम्मा बाद। फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और बेशक कुछ शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, मतलब अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे अमानतदार फरिश्ते लेकर आया है। अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अमीन फरिश्तों में कहा है कि जो अमानतदार फरिश्ते हैं, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह वही भेजी जूं की तू उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे उतारी और हुज़ूर ने हम तक पहुँचाई। अमानत से मतलब यह है कि रत्ती बराबर भी किसी किस्म का कोई फेर बदल इसमें नहीं हुआ, आपके दिल पर उतरा है यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर कि आप आगाह कर देने वालों में से हो जाएँ। मतलब ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उनके कल्ब पे कलाम उतारा जिससे कि वो आगे इस कलाम को पहुँचाएँ। साफ़ अरबी ज़बान में है, मतलब रोशन वाज़े ज़बान में, खुली ज़बान में उतारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो उस टाइम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके की ज़बान थी, क्योंकि उन्हीं के बीच से हुज़ूर को नबी बनाया गया था तो उनकी ज़बान में ही कलाम उतारा। और जगह भी कलाम पाक में अल्लाह ने कहा कि हम जिस बस्ती में भी रसूल भेजे, कलाम भेजा, वो उसी बस्ती की ज़बान में भेजा जिससे कि लोग वाज़े तौर पर अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की वही को समझ लें। अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तस्करा है, मतलब पिछली किताबों में भी कुरान की तालीमात मौजूद हैं। जो पहले नबी आए हैं वो जो भी किताबें लेके आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसमानी किताबें, उनमें इस कुरान का जो है तस्करा वो मौजूद है। लेकिन क्योंकि अब तब्दीली हो गई उन किताबों में, चाहे वो तौरात हो चाहे इंजील हो, तो उस तब्दीली की वजह से उन तालीमात को हटा दिया गया, वरना अल्लाह की तरफ से पिछली तमाम किताबों में आगे आने वाले कुरान का भी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पेशिंगोई हर किताब में थी। क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि हकानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं, मतलब बनी इसराइल के जो उलमा हैं, क्योंकि उन्होंने तौरात शरीफ पढ़ी थी, उन्हें पता था कि इस कुरान का जिक्र जो है वो हमारी किताब में है और ये हक है। तो अल्लाह ने ये बात कही है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने उलमा से पूछ लो, जो बनी इसराइल के उलमा हैं जिन्होंने तौरात पढ़ी है। अगर तमाम आम लोग जो है अल्लाह की किताब नहीं पढ़ते तो कम से कम जो आलिम लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि उन पिछली किताबों में इसका जिक्र है कुरान का। और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते बस वो उनके सामने इसकी तिलावत करता तो ये उसे बावर करने वाले ना होते। मतलब ये हमने अरबी लोगों में से एक अरबी इंसान को उठाकर नबी बना दिया और उन पे वही नाजिल की अरबी ज़बान में।
अगर हम चाहते तो ये कुरान जो है वो किसी अजमी अजमी उसे कहते हैं जो अरबी ना जानता हो, मतलब किसी अजमी पे भी उतार देते, और वो अगर कुरान की तिलावत, जैसे हम लोग हैं, हम अजमी हैं, कुरान को सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना जानते हैं कि हम तिलावत करें, हम कुरान को ना समझ सकते हैं और ना हमें इसका मालूम होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो अजमी हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अजमी के दिल पे भी कुरान को उतारते तो वो अरबी में पढ़ता तब भी ये ना मानते, हालांकि खुला मौजदा होता कि किसी अजमी की जबान से कुरान सुनना, लेकिन ये फिर भी ना मानते। अल्लाह को आगे तक का पता है कि इनके दिलों में इस तरह का कुफ्र था कि उसे मानते ना। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया, मतलब गुनाहगारों के दिलों पे गुनाहों की वजह से मोहर लगा दी कि उनके दिल में अब हक जो है वो घुस ही नहीं सकता, दाखिल ही नहीं हो सकता, ऐसी मोहर लग गई गुनाहों की वजह से। कहाँ तक पढ़ा? और जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलायजा ना कर लें ईमान ना लाएंगे, मतलब ये जब तक अपनी आंखों से अजाब ना देख लें तब तक ये ईमान में आने वाली नहीं है, लेकिन अजाब जब ये देख लेंगे उस टाइम इनका ईमान में आना कोई फ़ायदा नहीं देगा। जैसे फिरौन ने डूबते हुए अल्लाह पे ईमान लाने की बात कही थी मगर उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे उसके बावजूद भी डुबो दिया, पस वो अजाब उनको नागहां आ जाएगा, उन्हें इसका शऊर भी ना होगा। मतलब इस तरह से अजाब में पकड़े जाएंगे गुनाहगार लोग, जैसे सोते हुए जलजला आ गया या सोते हुए सैलाब या सुनामी आ जाए और गफलत की मौत मरेंगे, तौबा की भी उन्हें तौफीक ना हो और उन्हें पता ही ना लगे कि हम कब मरेंगे। أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم। उस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, मतलब ये अजाब जो है जो हम पे डाला गया है क्या टाला जा सकता है, अगर टाला जा सकता है तो किसी तरह टल जाए और हमें मोहलत दी जाए, हम दोबारा से नेक काम करके आ जाएं। बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके उस कौल को यहाँ दोहराया है जो ये हर नबी से कहते थे, उनकी उम्मत उनकी कौम अपने नबी से ये कहती थी कि जिस अजाब का तुम हमें डरावा दे रहे हो वो ला के दिखाओ। तो अल्लाह ने कहा जिसका ये मतलब जो मैंने अजाब इन पर भेजा है इसकी तो ये जल्दी मचाते थे। अच्छा ये भी बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिनसे धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे इसमें से कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचा सकेंगे। मतलब यहाँ अल्लाह ने कहा कि अगर मैं इन्हें मोहलत दे भी दूँ और उस मोहलत के बाद जब इनके ऊपर ये अजाब दोबारा से आएगा, क्योंकि ईमान तो लाने वाले हैं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि इनके दिलों में ऐसा कुफ्र है, मोहर लग चुकी है, ईमान नहीं लाएंगे, इन्हें मोहलत दो तब भी नहीं ईमान लाएंगे, तो जो कुछ ये बरतते हैं मतलब जो भी माल जदाद जिससे भी ये फ़ायदा उठाते हैं इनके कुछ काम नहीं आएगा उस टाइम, ये अजाब ये चीज़ें इन्हें अजाब से बचा नहीं सकेंगी। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया है मगर इस हाल में कि उसके लिए डराने वाले थे, मतलब इत्माम हुज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बस्ती पे किया, ये हमेशा कायदा अल्लाह का रहा है, अल्लाह की सुन्नत कि जिस बस्ती को भी अजाब में मुब्तला करना हुआ पहले वहाँ हादी भेजे, हिदायत देने वाले यानी कि अल्लाह का कलाम पहुँचाने वाले पैगम्बर वहाँ आए, जब कौम ने मना कर दिया हिदायत लेने से या कलाम सुनने से और नबियों को झुटलाया या नबियों को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बस्ती को अजाब से घेर लिया। ये अल्लाह की सुन्नत है कि पहले वहाँ डराने वाला ज़रूर भेजा, तो इसलिए
ये तय है बात कि किसी भी बस्ती में आज भी अगर कहीं कुफर और शिर्क या बिदत हो रही हो, वहाँ लाजमी बात है कि अल्लाह वालों की पहुँच होगी जब वो अपना काम कर देंगे। अगर उसके बाद भी ना लोग माने तब अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आ सकता है नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। मतलब उन्हें अजाब ने इसलिए दबोचा कि ताकि बाकी लोग नसीहत हासिल कर लें। इस कुरान को शैतान नहीं लाए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात कही कि ये कुरान जो है मेरा भेजा हुआ है, इसे कोई जिन नहीं लाया, क्योंकि शैतान जो है वो जिनों में से था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसे कोई शैतान नहीं लाया। हालांकि लोग उस टाइम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते थे कि इनके पास कोई जिन है जो इन्हें कुरान सिखा देता है और ये लिखवा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ उसकी तरदीद की है कि इन्हें इसे कुरान को कोई जिन नहीं लाया, ना वो इसके काबिल हैं ना उन्हें इसकी ताकत है। मतलब ना तो जिन इस काबिल हैं कि इसका बोझ उठा सकते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से जो अमीन फरिश्ते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो लेके आए इस कलाम को, और ना उन्हें इसकी ताकत है कि वो चाह के भी इसे नहीं उठा सकते, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक की हिफाजत अपने जिम्मे ली तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत के तहत, पहले तो ये लोग सुनने की कोशिश भी करते थे कुरान को, लेकिन अल्लाह ने जब हिफाजत ले ली, जब ये आयत उतरी, उसके बाद इन्हें बिल्कुल ही इस कुरान से दूर कर दिया था। बस अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकारो कि तो भी सजा कि तू भी सजा पाने वालों में से हो जाए। मतलब चाहे नबी हो या आम इंसान, अगर अल्लाह के सिवा किसी भी माबूद को पुकारें या शिर्क करें तो अल्लाह की तरफ से उन्हें सजा मिलेगी। अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे। इसके साथ फरोतनी से पेशा जो भी ईमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी करे। मतलब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने रिश्तेदारों को डराओ, मतलब उन्हें बताओ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और जो मैं वही लेके आया हूँ इसमें खुशखबरी भी है और डरावा भी है। अगर तुम नेक अमल करोगे, ईमान के साथ अल्लाह के यहाँ पहुँचोगे तभी बचोगे। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके, अपने तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करके डराओ। इसके बाद ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर चढ़े थे, जो मैंने एक बार आपको वाक्य बताया था, और फिर वहाँ खड़े होकर तमाम लोगों को इकट्ठा किया, आवाज़ें दे दे के मनादी करके। उसके बाद जब लोग इकट्ठे हो गए तब ये कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से कोई दुश्मन वार करने वाला है तो तुम मान लोगे? तब ने सब ने कहा कि हाँ हम मान लेंगे, क्योंकि आप अमीन और सच्चे हो, हमेशा से हम देख रहे हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये बात बताई थी कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और जो लोग मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे वो फंसेंगे। मतलब दीन की दावत दी, वहाँ से खड़े होकर वहीं पे अबू लहब था इनका चचा, उसने ये बात कही कि माज़ल्लाह तेरे, मतलब एक हिसाब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी कि तेरा नाश हो, तूने इसलिए हमें यहाँ बुलाया था। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी ये बात इतनी बुरी लगी थी कि तब्बत यदा बिलाहबी व तब, जो सूरत उतरी थी वो वहीं पे उतरी थी। ये पूरा वाकया इस आयत के बाद, जब अल्लाह ने कहा कि अपने करीबी रिश्ते वालों को डरा दे, मतलब तमाम तर लोगों में खुल के तबलीग करने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली, इसी के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को, हज़रत सफ़िया जो उनकी फूफी थी, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनकी बेटी थी, उन सबको इकट्ठा करके ये बात कही थी कि फातिमा या सफ़िया तुम लोग अपने अमाल अपने साथ लेके जाना, वहाँ मैं तुम्हारे कुछ भी काम ना आ सकूँगा। ये सब इसी आयत के बाद हुआ था। उसके साथ फरोतनी से पेश आ जो भी ईमान लाने वाला होकर तेरी ताबेदारी करे। मतलब मोमिनों के सामने थोड़ा सा आजदी के साथ झुक के, उन्हें उनके साथ चल के, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि तुम्हें मैंने पैगंबर बना के भेजा, तो अपने बाजू झुका के रखना ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे पास ईमान की शक्ल में आए, ईमान वाले बन के आए। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। मतलब अगर ये फिर भी कुफर करें और तेरी ना माने तो इनसे ऐलान कर दे कि इन कामों से मैं बेजार हूँ, मतलब मैं शिर्क नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे। तुम्हारा दीन अलग और मेरा दीन अलग, जो कुल या अय्युहल काफिरून आप नमाज में पढ़ते हो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसमें जो आयत आई थी उसका मतलब यही है कि अगर लोग तुम्हारी बात ना माने तो उनसे कह दो कि तुम्हारा दीन अलग और हमारा दीन अलग। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रख। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दिया अल्लाह ने कि इन सब लोगों, चाहे सारे सारे ईमान में आए या एक भी ईमान में ना आए, आपने अपना भरोसा ज़बरदस्त मेहरबान अल्लाह पे रखना है जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है। मतलब अपने बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे देखता रहता हूँ जब तू खड़ा होता है। मतलब रात को तहज्जुद में नमाज के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, उस रात के अंधेरे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। मतलब हुज़ूर तो नहीं अल्लाह को देख सकते थे, मगर
अल्लाह जरूर सबको देखता है जो भी खड़े होते हैं रात के बीच में, मतलब निगाहें हमारी जो हैं वो अल्लाह को नहीं पा सकती, मगर अल्लाह तो हमारी निगाहों को पा लेता है। وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان तेरा घूमना फिरना भी, मतलब सफ़ों की दुरुस्ती के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को दुरुस्त कराते थे, उसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते थे, और सहाबा की इबादत की जो खबरगिरी करते थे रात में, जो सहाबा इबादत करते थे वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी में होता था। वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने वाला है, मतलब दिलों की जो कैफियत है उन तक को जानता है अल्लाह, और सुनता भी है, अगर कोई उससे कुछ भी मांगे तो वो सुनता है। खुद हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो अपने अल्लाह से मांगो। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर इतराते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर इतराते हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, मतलब गंदगी के पास ही उतरेगी। शैतान गुनाहगारों के पास आते हैं, जो लोग गुनाहों में मुलव्वस होते हैं शैतान उन्हीं पर उतरते हैं, मतलब खबीस जिन जो हैं वो खबीस इंसानों पर उतरते हैं। कबीरा गुनाह करने वाले जो हैं वो अल्लाह की नज़र में खबीस हैं, उन पे जिन उतरते हैं शैतान उतरते हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों, मतलब गुमराह लोग जो हैं वो शायरों की पैरवी करते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बयाबान में सर टकराते फिरते हैं, मतलब अक्सर शायरों के किरदार जो हैं वो और होते हैं, जो वो ज़बान से कहते हैं वो कुछ और होता है, और जो अमल उनका होता है वो कुछ और होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो था वो पाक साफ था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सब कुछ जो बाहर था वही अंदर था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि लोग उस माशरे के शायर भी कहते थे, तो अल्लाह ने इस बात की तर्दीद की है कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं, जबकि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चे हैं, इनकी जो पैरवी कर रहे हैं लोग वो भी सच्चे हैं। तो यहाँ ये बात कही कि क्या तुमने नहीं देखा कि शायर एक एक बयाबान में सर टकराते फिरते हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें कहीं ज़मीन और कहीं आसमान की इस तरह से तुकबंदी मिलाते हैं कि कभी मगरिब की बात करें कभी मशरिक की। इनके कौल और अमल में तादाद होता है, सबसे ज़्यादा इनका घटियापन है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं। मतलब शायरों की आप शायरी में अगर देखेंगे तो कई बार शायर में ये कह देंगे मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, जबकि जो मुमकिन ही नहीं है। आप ये देखिए कि अगर अपने महबूब के लिए चांद सितारे कोई तोड़ सकता हो तभी तो ये बात कहे, जो अमल कर नहीं सकते उस बात को कहना घटियापन है। तो यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अल्लाह ने बयान किया कि हुजूर जो कहते थे वो करते थे, तो उनका किरदार और था, शायरों का किरदार और होता है, तो इन्हें शायर कहना बेकार है, यहाँ ये बात कही। आगे फरमाए शायरों के बारे में कि सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह के जिक्र बकसरत अल्लाह का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया, जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। यहाँ कुछ शायरों को अलग कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये फरमाया कि सिवाय उनके जो ईमान लाए, मतलब जैसे हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शायर हुए हैं, सहाबी भी थे, जो ईमान में आने के बाद जिन्होंने शायरी छोड़ दी, उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से उन्होंने शायरी शुरू की, हसान बिन साबित नाम था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो कुफ़ार शेर कहते थे ये उन कुफ़ार के शेरों का जवाब देते थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में शेर कह के ऐसी शायरी कहते थे कि उन हुज़ूर ने फरमाया कि हसान के जो शेर हैं वो तीर की तरह काफिरों के दिलों में लगते हैं जाके, इतनी बढ़िया शायरी करते थे हुजूर के हक में। तो ऐसी शायरी मुबारक है और ऐसे शायर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जैसे आपके ज़माने के शायर हैं जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपने सुना होगा नाम अल्लामा इकबाल, वो भी
कुरान और हदीस से मुताल्लिक ही शायरी करते थे और उनकी शायरी से भी लोगों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। लेकिन यहाँ ये कहा कि सिवाय उन लोगों जो ईमान लाए और नेक अमल किए, मतलब नाम के मोमिन ना हो बल्कि अमल सवाले से ये बात साबित करें ऐसे शायर कि मैं ईमान में आ गया और अल्लाह का जिक्र भी कसरत से करते हों और अल्लाह के जिक्र के लिए ही शेर व शायरी करते हों। ये 227 नंबर आयत तक सूरह शुआरा पूरी हो गई। अब सूरह नमल शुरू होगी जो 27वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है और उसमें 93 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। नमल जो है वो चींटियों कहते हैं। इस सूरत में चींटियों का एक वाकया बयान हुआ जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो सूरह नमल पड़ा। تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تاسین، ये मैं आपको बता चुका है इस तरह के हरफुल मुकत्यात कुछ सूरतों के शुरू में आए हैं। इनका सही मतलब तो अल्लाह उसके रसूल को ही मालूम है। कुछ लोगों ने कयास लगाए हैं कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, मगर कंफर्म कुछ नहीं है क्योंकि हुजूर की कोई हदीस इससे मिलती हुई हमें नहीं मिलती। तो यहाँ भी शुरुआत उन हरफुल मुकत्यात से हुई है। तासीन, ये आयतें हैं कुरान की यानी वाज़ह और रोशन किताब की, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए। मतलब ये जो आयतें अल्लाह ने उतारी हैं ये हिदायत हैं लोगों के लिए और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। कौन ईमान वाले? जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। मतलब ये अहम तरीन काम है ईमान में आने के बाद, बिना इनके ईमान मुकम्मल नहीं होता। एक तो नमाज कायम करना, मतलब वक्त और तादाद के साथ पाँचों नमाजें, और अगर माल हो तो ज़कात अदा करना। ज़कात जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस्लाम की गुरबत ख़त्म करने की, लेकिन हमारे यहाँ मिसयूज़ होता है ज़कात का, इसलिए गरीबी ख़त्म नहीं होती। अगर सही तरह से ज़कात इकट्ठी की जाए और बांटी जाए तो ऐसा निज़ाम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का 2.5% ज़कात का कि तमाम तर मुसलमानों से गुरबत ख़त्म हो जाए, एक मुल्क से ख़त्म हो दूसरे मुल्क में जाने लगे ज़कात। मगर क्योंकि ज़कात का निज़ाम हमारे यहाँ ख़राब है तो इसलिए गुरबत है हम लोगों के बीच में। ये अहम तरीन ईमान है और आखरत पर जो यकीन रखना है ये भी ईमान का हिस्सा है, बिना इसके ईमान मुकम्मल नहीं होता। मतलब अहम तरीन ईमान जो है वो उसी का होगा जो नमाज कायम करने वाला, ज़कात देने वाला और आखरत पर यकीन रखता हो। मतलब जो जज़ा और सज़ा है अल्लाह के आगे हिसाब किताब देने का जो खौफ और डर है और ईमान है वो ज़रूरी है। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते हमने उन्हें उनकी करतूत जीनतदार कर दिखाई, बस वो भटकते फिरते हैं। मतलब आखिरत पे यकीन नहीं रखते, जिन्हें मौत याद नहीं हो नहीं याद रहती, उनके अमाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा के उन्हें दिखाता है। मतलब अंधेपन में उन्हें नज़र नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं और उसी में वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अल्लाह ने वही बात, अब मान लो कोई गुनाह का काम कर रहा और उसे तो मन ये समझ रहा कि मैं बुरा काम नहीं कर रहा, तो अल्लाह उसी में उसे बढ़ाता चला जाएगा, एक हिसाब से उसी में बरकत मिलती चली जाएगी उसे, गुनाह के काम में उसी में आगे बढ़ता जाए। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हम उसकी करतूत को जीनतदार दिखा देते हैं, मतलब उसे वो लगता ही नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पर हूँ। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता होंगे। मतलब यहाँ भी अजाब भुगतेंगे
यहाँ भी उन्हें इस्तराब की ज़िंदगी मिलेगी, सकून नहीं होगा, बेचैनी की ज़िंदगी काटेंगे और आखिरत में भी सख्त नुकसान, मतलब माल के चक्कर में, हराम के चक्कर में, गुनाहों के चक्कर में यहाँ तो बेचैन रहेंगे और वहाँ सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा, हमेशा की ज़िंदगी जो है उन्हें आग में काटनी पड़ेगी। बेशक आपको अल्लाह हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है, मतलब तमाम हिकमत और इल्म जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को सिखाया, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद को यहाँ पर हकीम व अलीम कहा, तो अपनी जो सिफात हैं हिकमत और इल्म होने की, वो तमाम तर चीज़ें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली। याद होगा जबकि मूसा अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई खबर लेकर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम सेक ताप कर लो। ये उस वक्त का वाक़या है जब मूसा अलैहि सलाम अपने घर वालों के साथ, बीवी और बच्चे उनके साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक पेड़ के नीचे थोड़ी सी अंगारी जो जैसे कोई रोशनी नज़र आती है वो नज़र आई, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी, मैं वहाँ से तुम्हें देख के आता हूँ कि हमें कोई रास्ता मिल जाए, कोई ख़बर मिल जाए कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं, और अगर ये आग सुलगती हुई तो मैं हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़े से अंगारे ले आऊँ, क्योंकि उस टाइम ठंड का मौसम था, जिससे कि तुम हाथ वाथ सेक लो, सर्दी की हरारत तुम्हें जो है वो हरारत मिलने से सर्दी कम हो जाए और हाथ ताप सको तुम। तो जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, मतलब ये जो तिजली तुम देख रहे हो आग की, ये बाबरकत है और बरकत दिया गया है वो जो इसके आसपास है, मतलब अल्लाह की ज़ाती तिजली का ज़हूर था वो, अल्लाह का नूर, कि यहाँ ये कहा गया कि वो भी बाबरकत है जो इसके आस पास है, यानी कि अल्लाह का नूर, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मतलब अल्लाह पाक है वही तमाम जहानों को पालता है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम वअल्क़ि अस्वाक फलम्मा रआहा तहतज्जु कअन्नहा जान्नुन वला मुदबिरन वलम युअक्किर या मूसा ला तखफ إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوبا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آگے فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکمت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میں اس کے آس پاس سے ایک آواز آئی اللہ رب العزت نے خود موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی نبی سے اللہ نے بات کی اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ رب العزت نے خود ان سے بات کی موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکمت مطلب میں ہی ہر چیز پہ غالب ہوں اور تمام حکمتیں میرے پاس ہیں میں اللہ ہوں مطلب جو میں بول رہا ہوں اس تجلی سے یہ آواز آئی تو اپنی لاٹھی ڈال دے موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے مطلب اللہ رب العزت کی جب آواز آئی تو اللہ نے یہ بات کہی کہ تو اپنی لاٹھی ڈال دے جو ہاتھ میں ان کے عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے کہا کہ تو اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور لاٹھی نیچے ڈال دی نیچے لاٹھی ڈلتے ہی وہ لاٹھی ہلنے لگی ایسی ہلی کہ جیسے کوئی سانپ ہو تو موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ میری لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو ہلتے ہوئے دیکھا تو ایک دم منہ موڑ کے بھاگے پیٹ موڑ کے ڈر کے مارے مطلب انہیں ایک دہشت سی ہوئی کیونکہ عام انسان ہو یا نبی ہو جو بھی ڈر اور خوف ہے وہ کیونکہ انسانی شکل میں آتے ہیں نبی بھی تو ہر طرح کا ڈر جو ہے وہ ان پہ غالب ہوتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں جو پناہ لی تھی وہ اسی ڈر سے کہ میں قتل نہ کر دیا جاؤں جب ہجرت کی شروعات ہوئی تھی اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے ڈر کے
डर के भागे पीठ मोड़ के उसी का यहाँ जिक्र किया गया है, पलट कर भी ना देखा, ए मूसा खौफ ना कर। फिर आवाज आई कि मूसा डरो मत, मेरे हुजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, मतलब मैं अल्लाह हूँ और तुम मेरे हुजूर में हो, इसलिए डरो मत। मेरे पास आने के बाद पैगंबर डरा नहीं करते, क्योंकि पैगंबर जो है वो मेरी निगरानी में ही फलते फूलते हैं। लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर उसके एवज नेकी करें, उस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। मतलब उन पर कुछ खौफ तारी हो जाता है जिनसे कुछ गुना हो जाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनसे एक कत्ल हो गया था, वो चैन जाने में हुआ था, तो वो उनके दिल में हर टाइम एक डर सा रहता है ऐसे लोगों के जिनसे कोई गुना हो जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा उसकी एवज नेकी करें, मतलब अगर तौबा कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला मेहरबान है। उस बुराई के पीछे यानी कि उसके बाद कोई बुराई अगर हो जाए, उसके बाद तौबा करने वाले अल्लाह को इतने पसंद हैं कि अल्लाह उन पर मेहरबानी करता है, उन्हें बख्श भी देता है। आगे फरमाया, और अपना हाथ अपनी गरिबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का डर देखा अल्लाह ने, तो ये सबूत देने के लिए कि मैं हक हूँ और मैं ही अल्लाह हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ तेरा परवरदिगार हूँ, उन्हें एक ये इशारा दिया। इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि तुम अपना हाथ जो है वो अपने गिरेबान में डालो, और जब वो तुम उसे हाथ को निकालोगे तो सफ़ेद चमकता हुआ हाथ बन के निकलेगा बगैर किसी ऐप के, मतलब उसमें कोई ऐप भी नहीं होगा, और तुम जब उसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा जैसे चांदी का कोई हाथ हो। तो तू नौ निशानियां लेकर फिरौन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। मतलब पूरी तफसील जो है इन नौ जो निशानियां यहाँ पे जो नौ मौजों का जिक्र है, सूरह आराफ़ में इसकी पूरी तफसील आई। यहाँ तो सिर्फ बात बता दी गई कि नौ मौजे जो हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम लेके फिरौन के दरबार में गए थे। तो अल्लाह ने कहा कि फिरौन और उसके साथी और उसके दरबारी जो हैं वो बदकार लोग हैं, उनमें तुम जाके तबलीग करो, बस जब उनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजदे पहुँचे तो वो कहने लगे कि ये तो सिरी जादू है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वहाँ जाके मौजदे दिखाए तो मूसा अलैहिस्सलाम की इन मौजदों को देख के फिरौन और उसकी कौम ने उन्हें हक मानने के बजाय जादू कहा कि ये तो जादू है, हालांकि उनके दिल में ये बात आ रही थी कि ये हक है, कुरान में और जगह भी ये बात कही। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर। यहाँ अल्लाह ने खोल दी बात कि उनके दिल में ये बात आ चुकी थी कि ये जो दिखा रहे हैं ये मौजज़े हैं, कोई जादू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में क्योंकि जुल्म और तकब्बुर था इस बिना पर उन्होंने जो है उसका इनकार कर दिया। बस देख लीजिए इन फितना परवाजियों का अंजाम कैसा होगा। मतलब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच्चे जो मौजे भेजे थे उन्हें देख के कि ये वाकई हक हैं, इनकार करने का उन्हें इतना बड़ा अल्लाह की तरफ से अजाब मिला कि उन सबको डुबो दिया गया। अल्लाह ने उसी का जिक्र किया कि इन फितना परवाज लोगों का अंजाम कैसा कुछ हुआ, मतलब हमने किस तरह से इन्हें डुबोया। यहाँ हमारे लिए नुक्ता निकलता है कि सच्चाई को मान के और जान के इनकार करना जो है उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ जुल्म और तकब्बुर कहा। हमारे सामने कुरान की कोई आयत या हदीस कोई पेश की जाए उसके बाद भी हम ये कहें कि फला बुजुर्ग ने तो ये कहा, फला इमाम साहब ने तो ये कहा, ये जुल्म और तकब्बुर कहलाएगा अल्लाह की नज़र में। हक का इनकार जो है, एक बार बात समझ में आने के बाद मैं अगर आपको कोई बात बता दूँ, तलाक के मामले में या हलाले के मामले में या किसी भी ऐसे मामले में कि जो आपको पहले से पता नहीं था, और मैं उसका सबूत भी दूं कुरान और हदीस से, उसके बाद भी आप उसी चीज़ों पे काम मौजूद रहें जो पहले से चली चली आ रही, जो आप बुज़ुर्गों से अपने घर वालों से सुनते चले आ रहे, तो अल्लाह की नज़र में ये आपका जुल्म होगा और आप जालिम होंगे और ये तकब्बुर कहलाएगा। और तकब्बुर के बारे में हुजूर की हदीस पाक ये है कि राई के दाने के बराबर भी जिसमें तकब्बुर होगा वो जन्नत में ना जाएगा। ये 14 आयतें थीं, पहला रुकू सूरह नमल का, इंशाल्लाह बाकी अगले हफ्ते।